व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हो फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड MIUI 13 वाले एक पोर्ट रोम की, जो आ चुका है हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोर्ट रोम है तो सब कुछ आपको प्रॉपरली वर्किंग नहीं मिलेगा, बग्स और क्रैशेस भी आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको MIUI 13 देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 12 के साथ, जबकि ऑफिशियली तो MIUI की तरफ से इस फोन के लिए एंड्रॉइड 11 वाला अपडेट भी नहीं आया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस बार की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, होम स्क्रीन पे आपको कोई स्टेटस बार देखने को नहीं मिलती, आपको ऐप भी ओपन करेंगे तो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक आप QS पैनल को डाउन नहीं करते, स्टेटस बार आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये वाला फर्स्ट बग आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्चर की। तो आपको MIUI वाला लॉन्चर मिल जाता है, ग्लोबल स्टेबल वाले सभी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। सिस्टम नेविगेशन में आपको बटन और जेस्चर वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हो मैंने हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर को ऑन किया हुआ था, बट इसे ऑफ करने पे भी आपको कोई बार देखने को नहीं मिलती। बटन्स पे टैप करने पर यहाँ पे बटन साथ हो जाएंगे, बट वो आपको दिखेंगे नहीं। समटाइम्स ये आपके सामने विजिबल हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम तो ये गायब ही रहेंगे। QS पैनल कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन पे टैप कर आप देख सकते हो, आपको मिलता है MIUI 13.0.1 एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड आपको ये रोम मिल जाती है। सिक्योरिटी पेज मिल जाता है फरवरी 2022 का, और डिवाइस नेम वगैरह सब कुछ आपको अलग ही देखने को मिलेगा। ऑल स्पेस पे टैप करने पर स्पेसिफिकेशन आपको उस फोन के देखने को मिलते हैं जिससे रोम पोर्ट किया गया है। कर्नल वर्जन आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनअवेलेबल, बट कर्नल जो यूज किया गया है वो है राइजन। डिस्प्ले में आपको MIUI वाले सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब रिफ्रेश रेट आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 120, जो इस फोन में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आपको ओनली 90Hz वाला ऑप्शन ही दिखेगा, तो ये ऑप्शन आपको ओनली देखने के लिए ही मिलता है। कलर स्कीम भी आपका वर्किंग नहीं है। साउंड में आपको साउंड से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा, बट जैसे ही आप इक्विलाइजर पर टैप करोगे ये आपको बैक भेज देगा। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में भी आपको सभी ऑप्शन सेम एज एंड्रॉइड 11 वाले ही देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर का लेआउट अगर आप ओल्ड वाला करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। स्टेटस बार वाले सेक्शन में आपको बैटरी और ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाएंगे। वॉलपेपर में आपको प्री इंस्टॉल्ड MIUI 13 वाले वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिल जाएंगे। बैटरी में आपको MIUI 13 वाला बैटरी सेवर, परफॉर्मेंस और बैलेंस्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और बात करें रोम के बैटरी बैकअप की, तो ये आपको कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिलता। 6 आवर या 6 आवर प्लस सम मिनट्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम आपको स्टॉक कर्नल के साथ मिलेगा, सम केसेस में इससे भी कम हो सकता है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मेमोरी एक्सटेंशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको 1GB का रैम एक्सटेंशन मिल जाएगा। स्पेशल फीचर्स में आपको मिलता है स्लाइड बार वाला ऑप्शन, यहाँ से आप अपने वीडियोस में स्लाइड बार ऐड कर सकते हो, और गेम्स के लिए भी आपको स्लाइड बार मिलता है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका गेम स्पेस है उसमें आप यहाँ से गेम्स को ऐड कर सकते हो। गेम स्पेस तो आपका वर्किंग है, और ये वीडियो वाले स्लाइड बार में क्या आपको वर्किंग मिलता है और क्या नहीं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टाइल वाला, ये आपका वर्किंग नहीं है। स्क्रीनशॉट वगैरह वाले ऑप्शन आपको वर्किंग मिल जाएंगे। सेटिंग्स वाले ऑप्शन और बाकी ऑप्शंस में भी आपको ऐसा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा MIUI 13 एंड्रॉइड 11 और 12 में। अब बात कर लेते हैं इस रोम के साथ आपको मिलने वाले ANX कैमरा की। तो ये आपको ऑलमोस्ट फुली वर्किंग मिल जाता है, स्लो मोशन के अलावा सब कुछ आपको फुली वर्किंग मिलेगा, और स्लो मोशन को कौन ही यूज करता है। अब बात कर लेते हैं डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। तो अभी तो मैंने फोन रूट किया हुआ है, बट विदाउट रूट भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहेगा। अब बात करें रोम का स्मूथनेस की, तो ऐसे तो ये रोम आपको स्मूथ मिलती है, बट समटाइम्स UI लेगी जरूर से हो जाता है।
एनिमेशंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो तो पहले रिमूव हो चुके हैं, और ओपनिंग स्पीड कुछ इस तरीके की मिलती है जिसे अच्छी या इम्प्रेसिव तो नहीं कह सकते। रिसेंट पैनल में आपको क्रॉस वाला क्लियर रोल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गीकबेंच स्कोर्स की। स्टॉक कर्नल के साथ सिंगल कोर आपको मिलता है 436 और मल्टी कोर मिलता है 1484। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को 5 मिनट तक स्टॉक कर्नल पर रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रॉटलिंग ग्राफ आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम से 94% तक सीपीयू यहां पर थ्रॉटल हुआ है, बट अगर आपका डिवाइस ज्यादा हीटेड होगा तो यह परसेंटेज और भी नीचे जाएगा। अब बात करें रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस ऐसे अच्छी आपको मिल जाती है जब तक आप स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन नहीं करते, तब तक तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बट समटाइम्स स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करते ही आपका FPS आ जाएगा 40 पर। परफॉर्मेंस अच्छा है बट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि रोम को गेमिंग रोम कहा जाए। FPS भी आपको ऑलरेडी अनलॉक्ड नहीं मिलते, अनलॉक आप कर लेना कोई मॉड्यूल वगैरह यूज़ करके। गेमिंग का टाइम तो आपका फोन हीट होता ही है, बट समटाइम यह अननेसेसरी हीट भी होता है। नॉर्मल यूसेज में यह अननेसेसरी हीट ही है जिसने इस रोम में बैटरी बैकअप के लगा दिए। अब बात कर लेते हैं इस रोम के साथ मिलने वाले गेम स्पेस की, तो लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो बार आपको मिलेगा उसे स्क्रॉल करके आप इसे ओपन कर सकते हो। करेंट टाइम CPU GPU यूसेज और FPS आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद आपको फ्लोटिंग विंडो, क्लियर रैम वगैरह वाले सभी ऑप्शंस वर्किंग मिल जाएंगे। अभी आप FPS देख सकते हो, यह 49 शो कर रहा है। मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, मैंने FPS को अनलॉक किया हुआ है तो अभी तो यह 49 शो कर रहा है, बट समटाइम्स यह 40 के ऊपर भी नहीं जाता। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना तो इस रोम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्लोटिंग विंडो पे आप जब भी किसी ऐप पे टैप करोगे तो कुछ सेकंड्स के बाद ही ओपन होगा, बट आप इसे ओपन मत करना, नहीं तो FPS और भी ज्यादा ड्रॉप होने लगेगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो।